अगर कोर्स कंप्लीट होने से पहले बंद होगी तो क्या हो, क्यों चलता रहा है? क्योंकि चल रहा है सालों से, पुराना इंस्टीट्यूट है तो चलता रहेगा। हाँ, कोई नया इंस्टीट्यूट होता तो आप सोचते हैं, ये तो नया है, पहला साल है, अगले साल चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, तो आप वहाँ टेंशन थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब आपके ध्यान में ये था कि ऐसे चल रहा है तो सालों से चलता रहेगा ना। तो जब हमारे तो यही हमारा गोइंग कंसर्न है, अजम्पशन भी होता है नॉर्मली हर बिजनेस के लिए, हम क्या अज्यूम करते हैं ये फ्यूचर में चलेगा, तो हम कहते हैं कि भाई ये बिजनेस गोइंग कंसर्न है, और अगर हमें लगता है कि ये बिजनेस फ्यूचर में मतलब साल भर में बंद हो जाएगा तो हम कहेंगे ये गोइंग कंसर्न नहीं है, या इस बिजनेस का गोइंग कंसर्न डाउटफुल है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, कई साल चलेगा, तो हम फिर डेप्रिशिएट भी उसी तरह करेंगे ना, हर साल थोड़ा थोड़ा चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये कब करते हैं हम, जब हम बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है। अच्छा अब हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, विद इन 1 ईयर बंद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर उसे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं इन्फोर्स्ड सेलेबल वैल्यू पर। ठीक है, फिर बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे इन्फोर्स्ड सेलेबल, इन्फोर्स पढ़ा इसलिए तो पढ़ाता रहा हूँ मैंने, कब का पढ़ा है। अच्छा अब इन्फोर्स्ड सेलेबल वैल्यू क्या होगी, जैसे हम अपना एक बिजनेस बंद कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फिर ये फर्नीचर अलग बेच रहे होंगे, एसी अलग बेचेंगे, बिल्डिंग अलग बेचेंगे, पंखे अलग बेच रहे होंगे, तो ऐसे ही होगा ना, और पैसे भी जो मिलेंगे दे देंगे, ऐसे ही होगा ना, खत्म करेंगे तो क्या होगा फिर, आपने ठीक है निकालो ये भी निकालो ये भी निकालो ये भी। तो वो जो वैल्यू उस वक्त मिलेगी आपको वो कहलाती है इंपोज्ड सेलेबल वैल्यू। ठीक है, कि अगर आप अपना बिजनेस बंद करते हैं और फिर आपको अपने एसेट्स बेचना पड़ते हैं वन बाय वन, तो किस वैल्यू पे सेल होंगे, तो वो वैल्यू कहलाएगी आपकी इंपोज्ड सेलेबल वैल्यू। तो जब बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है तो हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो फिर हम अपने एसेट्स को इनफोर्स सेलेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जब बंद होने की सूरत में बेचना पड़ेगा तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, उस वैल्यू को कहते हैं सेलेबल वैल्यू, इनफोर्स सेलेबल वैल्यू वो होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फिलहाल, डी गोइंग कंसर्न। अच्छा अब ये बताया 127, डेप्रिसिएशन हम चार्ज क्यों करते हैं हर साल, हर साल क्यों चार्ज करते हैं ना, मतलब किसी एक साल में क्यों नहीं चार्ज कर देते। सही है, सी आंसर, हाँ कि वो हमारा जो मैचिंग प्रिंसिपल है, सी आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, जितने सालों में बेनिफिट मिल रहा है उतने सालों में हम उसको एलोकेट करते हैं ना। अच्छा अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, क्वेश्चन नंबर 128, बुला आसान है ये तो। ठीक है, 10 10 लाख का 1 लाख का 20% आ जाएगा, रिड्यूसिंग है ना, अच्छा दूसरे सेकेंड ईयर का, हाँ सर, पहले साल का 20,000, दूसरे साल का 8 16 हो जाए, 80,000 का 16,000। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई, ये तो मैंने बताया नहीं आपको, नॉन करंट एसेट रजिस्टर, ये हैंडआउट में है ना आपके पास, देखिए हैंडआउट 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 हैंडआउट, हाँ हैंडआउट में ये आखिर के पॉइंट रह गए हमारा। सर हाँ, क्वेश्चन 15 के बाद ये है नॉन करंट है एसेट रजिस्टर। ठीक है, नॉन करंट एसेट रजिस्टर, अच्छा मैंने याद होगा ऐसे मैंने डे बुक्स पढ़ी थी ना, उसमें हमने डे बुक्स में हर कस्टमर का अलग अकाउंट बनाते हैं, सप्लायर का अलग अकाउंट बनते हैं, और फिर जनरल लेजर में हम कंट्रोल अकाउंट्स बना रहे होते हैं, उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं टोटल, सेल परचेस लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट्स में इंडिविजुअल वैल्यूज आती हैं, और फिर जनरल लेजर में टोटल आती है ना। ठीक है, इसी तरह एसेट के साथ भी होता है कि हम जनरल लेजर में हर एसेट का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, लैंड का अलग अकाउंट होगा, बिल्डिंग अलग, मशीनरी अलग, मोटर व्हीकल अलग। ठीक है, और फिर एक हम बनाते हैं इनका रजिस्टर, नॉन करेंट एसेट का एक रजिस्टर बनाते हैं, उसमें सारे एसेट्स का रिकॉर्ड आ जाता है कि आपके बिजनेस के पास टोटल कितने एसेट्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, एक्यूमुलेटेड ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, बुक वैल्यू कितनी है, सारी डिटेल्स एक ये पूरा जगह लेजर का उठा के यहाँ पुट करते हैं।
हाँ, यानी कि दोनों जगह रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। एक फॉर्मेट है जैसे डेट ऑफ परचेज, इनवॉइस नंबर, रेफरेंस आइटम, कौन सा एसेट है, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीडी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करंट ईयर का, फिर एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग बुक वैल्यू, डेट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल प्रोसीड, लॉस गेन, कोड नंबर, लोकेशन, कौन सा एसेट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये कहलाते हैं हमारा नॉन करंट एसेट रजिस्टर। ठीक है, तो हर एसेट का एक सेपरेट अकाउंट तो बनेगा जनरल लेजर, फिर ये एक रजिस्टर भी बनता है। अच्छा, उसका फायदा क्या है बनाने का, जब हर एसेट का अकाउंट बन रहा है तो उसका क्या फायदा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती हाँ, जैसे वही बात है कि टोटल आ गए ना, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ गई, एक जगह पे आ गई, तो इससे एक तो आप अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, यहीं से इसी को देखते हुए कैलकुलेट करके लेजर में पोस्ट कर देंगे। लॉस गेन ऑन डिस्पोजल निकालना, यहीं से देखते हुए कैलकुलेट करके है। उसको लेजर में पोस्ट। और सेकेंड, आप इससे अपने लेजर्स को रिकनसाइल भी कर सकते हैं ना, कि आप अपने पहले लेजर्स का टोटल करेंगे, वहां से बुक कॉस्ट एक्यूमुलेटेड बुक वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे रजिस्टर में आप अपनी कॉस्ट एक्यूमुलेटेड बुक वैल्यू निकालेंगे, दोनों अगर सेम हुई तो उसका मतलब सब एरर फ्री है, और अगर दोनों के बैलेंस डिफरेंट आ रहे होंगे तो उसका मतलब कहीं एरर है, मिस्टेक्स। तो एक फायदा ये भी है इसका, ये रिकन्सिलेशन में काम आ जाते हैं। जिस तरह कंट्रोल अकाउंट में होता था, इंडिविजुअल का टोटल करते हैं, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, दोनों इक्वल आ गया तो सब ठीक है, वरना एरर्स होते हैं ना। तो एक फायदा ये भी होता है, पर्पस ये भी कि रिकंसिलेशन में काम आ जाता है, ठीक। और अगर दोनों का टोटल सेम नहीं आता तो इसका मतलब एरर्स हैं, फिर हम उनकी करेक्शंस वगैरह करते हैं, रिकनसाइल करते हैं सारा काम, ठीक है। तो ये इसका फर्क। और एक अपने जो अगर अपने एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं ना। इसमें देखिए कॉलम आ रहे हैं लोकेशन का, टी अकाउंट में लोकेशन तो नहीं मैंशन करते ना, कौन सा एसेट कहाँ रखा हुआ है, तो इसमें लोकेशन का कॉलम भी है, तो इसमें हर एसेट की लोकेशन भी आप लिखेंगे कि कहाँ पे कौन से हाँ, कि वेयर कहाँ पे हाउस कौन सा एसेट किस रूम में, किस वेयर हाउस में, किस बिल्डिंग में लगा हुआ है। अब जैसे यहाँ एसी से टीएसी की बात करें तो में, किस क्लासरूम में किस लाभ में कितने कितने एसी हैं, किसमें कितने, कौन सी कंपनी का, तो आप यहाँ एसी मेंशन कर सकते हैं ना, ये वाला एसी कहाँ लगा, ये नया एसी आया, ये कहाँ लगा, ये वाला कहाँ लगा, तो इससे आप अपने एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर कर सकते हैं। उस लोकेशन में जाके आप चेक कर लेंगे तो वो एसेट वहाँ लोकेशन पर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। डिस्पोजिबल का भी हो, यहाँ पे आ जाते हैं ये डिस्पोजल खत्म की भी होने के कैलकुलेशन बाद। आ जाएगी। हाँ सर, और फिर लोकेशन भी आप वेरीफाई कर सकते हैं जो टी अकाउंट से नहीं हो सकती, सही। बाकी ये इसमें लाइक थोड़ी डिटेल है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा बस, सही, कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ये मेन पर्पस है। अब इस पर ये क्वेश्चन आता है, ये कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन था, अब बताएं विच आर द फॉलोइंग अ रीजन फॉर मेंटेनिंग नॉन करंट एसेट रजिस्टर। तो कैलकुलेट टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू ऑन लोन, पहला तो नहीं है, लोन का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता इसके अंदर। हेल्प कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन, सही है। कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, 2 एंड 3 ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो गया। ये 130 कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बताना है, शुड बी ट्रीटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपका रेवेन्यू आ जाएगा, बाकी डिलीवरी और इंस्टॉलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि जब हम एसेट बाय करते हैं तो उसकी कॉस्ट में डिलीवरी चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाते हैं, और उसको फिर हम टोटल से रिकॉर्ड करते हैं एसेट, यानी कि कैपिटलाइज हो जाते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस जो होती है वो डेली बेसिस पे या मंथली रिकॉर्ड होती रहती है, तो मेंटेनेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी ये दोनों कैपिटल, यानी कि याद रख लेंगे एसेट की कॉस्ट में जो जो एक्सपेंस ऐड होंगे वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल कैपिटल होंगे सारे, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा लेंदी है तो ऐसा नीड करें। 131 अकाउंट बनेगा, ये कॉस्ट का ओपनिंग दिया हुआ है, ये आपका एक डेप्रिसिएशन, ये मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है। न्यू व्हीकल 30,000 की परचेज की, नो व्हीकल वर सोल्ड, मतलब डेप्रिसिएशन कितना है, 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस विद फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल।
क्लोजिंग बैलेंस बताना है आपका, डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग तो दिया हुआ है 60, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसको 60,000 में ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। डेप्रिसिएशन नहीं, ये एक्यूमुलेटेड का बनेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा था, ओपनिंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट। तो हमने दो अकाउंट बनाए थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताया तो वो तो क्लोज हो जाता है ना, उसका ओपनिंग क्लोजिंग होता ही नहीं है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग होता है। तो इसमें से मैं यहाँ थोड़ा सा बुक की मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अच्छा देखिए, ये तो एक 30,000 की न्यू मशीन है, इसको साइड पे करते हैं, पहले ओल्ड मशीन का निकालते हैं। कॉस्ट कितनी है, 140, 140 एक्यूमुलेटेड कितना है, 60, और फिर 25%, ठीक है। ये कितना था, 1,60,000, नहीं 40 है ना, 40 40 कॉस्ट है, 1,40,000, -0 एक्यूमुलेटेड 60,000 हाँ है, ओल्ड की बात कर रहे हैं अभी ना, और 25%, 20,000 ट्वेंटी 20,000, और न्यू मशीन कितने की हमारी, 30,000 की। तो इसमें तो डायरेक्ट 25% निकल आएगा ना, क्योंकि न्यू है। ये कितना हो जाएगा, 7,500, दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब टी अकाउंट बना के समझा दो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाते हैं, जिसका ओपनिंग बैलेंस के साइड पे आता है, क्रेडिट राइट पे आता है ना, क्रेडिट पे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्रेडिट साइड पर कितना है, 60 60। अच्छा, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब इसको क्लोज करते हैं, तो बस यही आंसर हो जाएगा इसका, 87,500 आ जाएगा, और यही कैरी डाउन 87,500। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 87,500। अभी कर लिया। नेक्स्ट अच्छा 132, 132 डी डेफिनेशन ऑफ नॉन करंट एसेट रजिस्टर डी जी। शेड्यूल मतलब ये तो नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव प्लेस पे नहीं होती, शेड्यूल मेंटेनेंस के शेड्यूल पे नहीं डी होता। तो डी है, शेड्यूल डी ऑफ कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट ईच इंडिविजुअल नॉन करंट एसेट, सारी आ जाती है इसमें, लोकेशन वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। अच्छा, अब ये आते हैं। अच्छा, ये वो रिकंसिलेशन टाइप का, नहीं ये क्या है, हाँ उसी टाइप का। अब कह रहा, ऑर्गेनाइजेशन नॉन करंट एसेट रजिस्टर शोज अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 125,600, और द नॉन करंट एसेट अकाउंट इन जनरल लेजर शोज अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 135। अच्छा, जब लेजर और रजिस्टर दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस आ गया, अब वही एरर आ गया, मतलब वो रिकंसिलेशन टाइप वाली चीज हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट वुड एक्सप्लेन द डिफरेंस। अच्छा, रीजन बता रहा है अभी, इफ इट इज ड्यू टू डिस्पोज्ड एसेट नॉट हैविंग बीन डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट लेजर। हाँ, अब डिस्पोज कह रहे हमने एक एसेट डिस्पोज किया, जैसे हमने लेजर से माइनस नहीं किया, तब वो माइनस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, रीजन बता दी उसने। अब अभी क्या करना है, सिर्फ ये जो लेजर का बैलेंस है ना, 135,600, इसमें से एक वैल्यू माइनस करनी है, और ये इसके इक्वल हो जाएगा रजिस्टर के, और वही आंसर होगा। अब कौन सी वैल्यू माइनस होगी, अब वो देखना है। ऐसे लेजर में से, हाँ लेजर कह रहे हैं ना, तो लेजर का बैलेंस कितना है, 135,600। अब इसमें से हमें एक वैल्यू माइनस करनी है, तो ये इक्वल हो जाएगा रजिस्टर के, वही आंसर होगा। अब कौन सी वैल्यू माइनस होगी, ये हमें देखना है, ठीक है। पहले इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या आपकी नेट बुक वैल्यू है ना, डेबिट नेट बुक वैल्यू,
133 था ये। नेट बुक वैल्यू लिख लेते हैं एनबीवी कितनी है, 135,000 सेक्शन पे। दोनों नेटबुक है ना, एक एक लेजर की ऊपर वाली रजिस्टर की है, लेजर नीचे वाली लेजर की है। वो कह रहा है मैं लेजर से की बात डिस्पोज एसेट माइनस नहीं किया। अच्छा अब इसमें से माइनस हम करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, देयर वर डिस्पोजल प्रोसीड 15,000, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 5,000, तो माइनस क्या करें इसमें से, 20,000 क्यों? अच्छा तो पूरा 20,000 होगा प्रॉफिट। 20,000 क्यों बोला था, वो मैंने प्रॉफिट को प्लस किया सर। एक और मिनट माइनस क्यों? अच्छा डिस्पोजल 10,000 प्रोसीड, क्यों? फिर डिस्पोजल प्रोसीड मतलब आपकी जो सेल है जो 10,000 क्यों? हाँ सेल, डिस्पोजल डिस्पोजल प्रोसीड मतलब सेल हो रहा है। हाँ वैल्यू और वो प्रॉफिट हो रहा है मतलब 5,000 प्लस नेट सेल, बुक वैल्यू से 5,000 ज्यादा है। नेट बुक वैल्यू 10,000 थी आपकी, सही है। हाँ देखिए ये समझा देता हूँ, सही बताया आपने। इसको पहले के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए हम बनाते हैं कॉस्ट का अकाउंट, एक हम लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लें पहले, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस लिखते हैं, फर्स्ट करें एसेट्स का बैलेंस है 1 लाख, हमारी कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस है और 20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो बुक वैल्यू क्या होगी इस वक्त, 80,000 आ जाएगी, ठीक। अब एक एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जो एसेट डिस्पोज हो रहा है उसकी कॉस्ट है 20,000, मैं वैल्यू चेंज करता हूँ कन्फ्यूजन ना रहे, 30,000। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000 और इसकी नेट बुक वैल्यू है 24,000, ऐसे ही है। तब डिस्पोजल के बाद का बैलेंस क्या होगा, 70,000 रह जाएगा। कॉस्ट का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड का बैलेंस 24 और बुक वैल्यू 56, सही ऐसे ही है। तो देखिए 24 30 माइनस 6 ही है ना, 24 बचा ना, ये को मैंने इसमें 6 माइनस इसमें 24 आया ना। आएगा अब 80 में से 24 माइनस करें क्या बच रहा है, वो सेकंड ये 20,000 में से 6,000 माइनस किया ना, कॉलम मैंने गलत लिख दिया। हाँ 14,000 आएगा, 24 गलत लिख दिया, वैल्यू गलत आ गई 14,000, ठीक है सही। अच्छा अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस किया और एक्यूमुलेटेड में से डिस्पोजल के एक्यूमुलेटेड को माइनस किया और बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू को माइनस किया। तीनों लेकिन एक खास चीज क्या है, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस हुई, एक्यूमुलेटेड से एक्यूमुलेटेड, बुक वैल्यू से बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया इसने, बुक वैल्यू दी है। तो तब यहाँ जो एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं तो उसकी हमें यहाँ से बुक वैल्यू ही माइनस माइनस करना है होगी, ठीक है। डिस्पोजल एनबीवी, तो जैसे डिस्पोजल होगा उसकी हम बुक वैल्यू ही यहाँ से माइनस करेंगे, सही है। अच्छा अब ये जो पॉइंट ए में एसेट डिस्पोजल, इसकी बुक वैल्यू बताएं क्या होगी, 10,000 10,000 होगी, ठीक है। 10,000 माइनस करते हैं कितना बचेगा, 125 600 600 600 इक्वल आ गया, आंसर यस हो गया ए, ठीक है। बाकी एक भी ट्राई चेक कर लेते हैं, आंसर तो हो गया ए। अच्छा बी में बुक वैल्यू बताएं क्या होगी, नहीं नहीं बुक में तो दी हुई है 5,000 लिखा हुआ है, नहीं 5 माइनस करेंगे तो ये 130 हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। सी में बुक वैल्यू क्या होगी, लॉस है, नहीं नहीं अब ये बुक वैल्यू 20 हो जाएगी ना, नहीं तो 35 से 20 माइनस करेंगे तो वन 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 फाइव हो जाएगा ना, इक्वल नहीं आएगा। यहाँ बुक वैल्यू 5 है, 5 माइनस करेंगे तो 130 होगा, इक्वल नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए माइनस करने पे दोनों इक्वल हो गए, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आपने याद रखना है, कॉस्ट से कॉस्ट माइनस होगी, एक्यूमुलेटेड से एक्यूमुलेटेड माइनस होगा, बुक वैल्यू से बुक वैल्यू माइनस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। 34 35 लॉस गेन निकालना है ट्रेडिंग पे, और ये तो बल्कि वो हैंडआउट का क्वेश्चन है, ये 13 14 जो था ना हैंडआउट का, ये वही क्वेश्चन है सेम, तो ये छोड़ देते हैं। 136
आंसर बताएं थ्योरी है। 10 to 1 FD 129 F1। नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। रजिस्टर तो रजिस्टर ही होता है, नहीं पहला गलत है। नॉन करंट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। एसेट शुड बी रिमूव फ्रॉम नॉन करंट एसेट रजिस्टर व्हेन दे हैव बीन फुली डेप्रिशिएटेड। हाँ, जब तक लेकिन डिस्पोज नहीं होगा तब तक माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर फुली डेप्रिशिएट हो गया, फर्स्ट कहना 5 ईयर लाइफ थी, 5 ईयर हमने यूज किया, फुली डेप्रिशिएट हो गया। अब हमने उसको चेक किया, पता चला कि अभी भी 2 साल और यूज हो सकता है, तो फिर रिमूव क्यों करेंगे? फिर तो रिकॉर्ड में रखेंगे ना उसको, ठीक है। तो रिमूव कब करते हैं? जब डिस्पोज करेंगे। जब तक डिस्पोज नहीं होगा तब तक रिमूव नहीं, क्योंकि एसेट रखा है तो रिकॉर्ड में भी रखा रहेगा ना। ऐसा नहीं होगा कि डेप्रिशिएट हो गया तो आपने रिमूव कर दिया रिकॉर्ड से, आप फिजिकली वो मौजूद हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब तक डिस्पोज नहीं करेंगे तब तक वो रिमूव नहीं होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, एक पॉइंट याद आ गया, 5 साल लाइफ थी, 5 ईयर हमने एसेट यूज किया, खत्म हो गया। अब हमने उसको चेक किया तो पता चला कि अभी भी 2 साल और यूज हो सकता है, तो 6th और 7th ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं होगा? होगा क्यों होगा? फर्ज करें ये आपके एसेट की कॉस्ट है, बता रहा ना, बता, सबर करें, सबर करें। आपके एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है। अच्छा, और हमारा एक्यूमलेटेड जो था, 5 ईयर का एक्यूमलेटेड था सपोज 90,000, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 10,000, ठीक है। और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो कितनी थी? तो वो भी 10,000 थी। वही अब ये डेप्रिशिएट होगा नहीं होगा 11th ईयर में, मतलब होगा, 6th ईयर में? नहीं होगा नहीं होगा ना, खत्म आपने वैल्यू सीख ले पहले। हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको फिर 6th और 7th ईयर में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो समझेगा जीरो चार्ज करेंगे, यानी कि आप फ्री का एसेट यूज होगा वहाँ, ये चीज, ठीक। तो लाइफ पूरी होने के बाद भी अगर एसेट आपका यूज होता है तो फिर हम उससे डेप्रिशिएट नहीं करते। हाँ अच्छा, अलबत्ता अगर ये हो कि 5 ईयर के बाद आपने उसको चेक किया तो पता चला 2 साल और यूज हो सकता है, लेकिन जब 2 साल बाद मजीद, यानी कि टोटल 7 ईयर के बाद सेल करेंगे, तो वो 5,000 में सेल होगा, 10 के बजाय 5 में होगा, ज्यादा ही ज्यादा यूज हो ज्यादा गया ना, तो स्क्रैप, वो स्क्रैप वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो और जाएगी कम हो जाएगी। आप अगर क्या करेंगे? 5 से ज्यादा। 5 साल लाइफ थी हमारी ओरिजिनल, 5 ईयर यूज हो गया, ठीक है, तो बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू दोनों इक्वल हो गई ना। अब हमने ऐसे चेक किया फिजिकली तो पता चला कि 2 साल और यूज हो सकता है, डिस्पोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन जब एस्टिमेटेड लाइफ वो एस्टिमेटेड लाइफ हो गई है कंप्लीट 5 साल पूरे हो गए, तो 5 साल बाद उसको फिजिकल इंस्पेक्शन किया कि भाई इसको रिमूव करें या ना करें, डिस्पोज करें ना करें, तो पता चला कि अभी ये कंडीशन अच्छी है, 2 साल और चल जाएगा, डिस्पोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 6th और 7th ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये पता चला कि भाई 2 साल तो और चल सकता है, लेकिन जब मजीद 2 साल यूज करने के बाद इसको डिस्पोज करेंगे, तो फिर ये 10 में डिस्पोज नहीं होगा, 5,000 में होगा। तो अपने एस्टिमेट, हाँ, क्योंकि देखिए 5 साल बाद बेचेंगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे, 7 साल बाद बेचेंगे तो पैसे थोड़े, 10 साल बाद बेचेंगे तो कम जितना पुराना होता जाएगा तो वैल्यू नीचे आती जाएगी ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब 5,000 जो बचे उसको 2 साल में डिवाइड कर देंगे, यानी 6 ईयर में कितना? 2,500। 7th ईयर में भी कितना? 2,500, 2,500 चार्ज करेंगे। नहीं वही तो कह रहा हूँ, अगर स्क्रैप वैल्यू चेंज नहीं होती, वही तो समझा रहा हूँ आपको, अगर स्क्रैप वैल्यू चेंज नहीं होती तो नहीं करेंगे, कुछ भी चार्ज नहीं होगा, ना 6 ईयर में ना 7th में। लेकिन आपको ये पता है कि लाइफ से ज्यादा चलेगा, लेकिन ज्यादा चलाने के बाद जब बेचेंगे तो वो 10 में सेल नहीं होगा, 5,000 में सेल होगा स्क्रैप में। ज्यादा तो 5,000 को आप 2 साल में डिवाइड कर देंगे जो कम हो गया, हाँ, ठीक। और अगर आपको लगता है कि वो उसकी स्क्रैप वैल्यू जीरो हो जाएगी,
पूरे 10,000 पूरे 10,000 डिवाइड कर देंगे 2 साल में, 5,000 छठे साल, 5,000 सातवें साल, ये होगा। स्टेप टाइम डिपेंडेंट होता है ना कि अगर यूज होता है दांत जब कब? होगा। हाँ ये कहना कि अगर ये कहते हैं कि भाई मजीद 2 साल यूज हो सकता है तो 6 और 7 के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं होगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मजीद 2 साल यूज हो सकता है और 2 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाए, या 5,000, या वो कहते हैं कि 0 नहीं होती, 5,000 हो गई, 10 से 5 पे आ गई, तो फिर 5,000 को 2,500, 2,500 चार्ज करेंगे, और अगर चेंज नहीं होती तो कुछ भी नहीं करेंगे, तो चार्ज ये होगा। ठीक है, यानी कि जब एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो फिर वो जो बाद के 2 सालों का या 3 साल जितने भी हैं उनका डेप्रिसिएशन डिपेंड करेगा स्क्रैप वैल्यू चेंज होने या ना होने, अगर चेंज होती है तो चार्ज करेंगे, नहीं होती तो नहीं करेंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आंसर डी हो गया इसका। ठीक है, इसका आंसर तो डी था, बाकी एक नया पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है, कब चार्ज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ये बताएं, 137 डायरेक्टली एंटर पार्ट एक्सचेंज वैल्यू ऑन द नॉन करेंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट, व्हाट अदर एंट्रीज मेजर टू कंप्लीट डबल एंट्री फॉर पार्ट। हाँ मतलब वो ट्रेड इन अलाउंस की एंट्री क्या होती है, डिस्पोजल क्रेडिट होता है और एसेट आपका डेबिट होता है ना, राइट। तो ए आंसर हो जाएगा डेबिट एंट्री इन मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट, जो ट्रेड इन अलाउंस की थर्ड वाली एंट्री बनती है हमारी ना, एसेट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। गुड, अच्छा ये आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। 38 सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है, ये बताएं 139। लोकेशन लोकेशन आ गए और एक्यूमलेट सीरियल नंबर नहीं आता उसमें ना, हाँ 1 और 3 हो जाएगा। सही अच्छा, बाद में 140 पे तो लॉस गेन ये आप लोग कर लीजिएगा ना, सिंपल है ये, कुछ घर के लिए भी रख लें। अच्छा ये बताएं 141, ये थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्लांट डिलीवरी टू फैक्ट्री, 1 ईयर वारंटी कवरिंग ब्रेकडाउन, इन एडिशन मॉडिफिकेशन टू द फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्टिंग 22 वर नेसेसरी टू इनेबल द प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड, व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज फॉर प्लांट इन कंपनीज अकाउंट। कैपिटलाइज का मतलब किस अमाउंट से आप अपने एसेट को रिकॉर्ड करेंगे ना। जी जी करें टोटल, टोटल करें क्या बन रहा, जी आंसर। अब इसमें क्या क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा वो बता दें मुझे, सब कुछ ऐड हो जाएगा। हाँ वारंटी नहीं होगी, बाकी सब आ जाएगा। हाँ बस 800 नहीं आएगा, बाकी सब ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन हैंड आउट में हमारा 142, 28.8 आंसर था बी। हाँ ये करते हैं, कर सकते हैं 143। 143 नॉन करेंट एसेट है कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू कहते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ये दी हुई है, एन एसेट विच हैड कॉस्ट 12,000 वाज सोल्ड फॉर 9,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, व्हाट इज द रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू, यानी डिस्पोजल के बाद की बुक वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ये बुक वैल्यू थी, अब एक एसेट हमने डिस्पोज किया, डिस्पोजल के बाद बताएं बुक वैल्यू क्या रह जाएगी, 118। ठीक है बाकी बताएं, 18 आ रहा है आपका भी, 9 और प्रॉफिट है 2 का, 7 जी, बाकी बताएं।
अभी जब भी मैंने समझाया था कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होगी, एक्यूमलेटेड से एक्यूमलेटेड माइनस होता है, बुक वैल्यू से बुक वैल्यू माइनस होती है। तो ये आपको कैरिंग वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू दी हुई है, तो हमें जो एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं इसकी बुक वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसकी बुक वैल्यू बताएं क्या होगी, 7000 हो जाएगी। ठीक, तो 125 से 7 माइनस करेंगे 190, तो 118 आंसर होगा बी। फिर हो गया। ये बताएं 145 कैपिटल एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ बिल्डिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ विंडो, परचेज ऑफ कार बाय कार डीलर फॉर रीसेल, लीगल फी डी आ जाएगा, लीगल फी आपके ना, बाकी तो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दिखाई ये भी हो जाएगा। ठीक करते हैं 147 थ्योरी है, इसको पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिपेयर ऑफ एन आइटम प्लांट मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर ऑफ प्लांट एन आइटम ऑफ प्लांट यानी कि रिपेयर एक्सपेंस है, उसको एसेट रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर दोनों दिया। दोनों अच्छा अब देखें क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट बताना है सर, बिफोर द एरर इफेक्ट क्या होगा, इससे हमारे एक्सपेंस कम होंगे, एक्सपेंस कम होंगे प्रॉफिट ओवर हो जाएगा, और आपके एसेट्स क्या हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज अंडर स्टेटेड, नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ओवर स्टेटेड, यस, एंड एसेट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आर ओवर स्टेटेड, नो, एसेट कम हो रहे हैं ना। सी एक मिनट, उल्टा उल्टा, हाँ ओवर सही है, एक्सपेंस सी को एसेट रिकॉर्ड किया तो एसेट भी ऊपर प्रॉफिट भी ओवर हो गया, हाँ बी आंसर होते बी आंसर। ऊपर हाँ एक्सपेंस को आपने एसेट रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर लिया तो एक्सपेंस कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, और दूसरा उसको आपने क्या किया था, एसेट रिकॉर्ड किया तो एसेट इंक्रीज हो गए, दोनों इंक्रीज हो गए, दोनों एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड किया तो एसेट बढ़ गए और एक्सपेंस कम हो गए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा चीजें 148, अच्छा ये उल्टा हो गया, डिलीवरी ट्रक है एसेट और उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, रिवर्स हो गया। हाँ प्रॉफिट अंडर स्टेट और एसेट भी अंडर स्टेट हो जाएंगे, अब सी आंसर हो जाएगा। ये वाला आपको कर लीजिएगा, इसमें प्रॉफिट लॉस निकालना है। हाँ फुल ईयर वाला, ठीक है, ये भी इसी टाइप का प्रॉफिट लॉस एंड डिस्पोजल है। इसको बस तो पोस्टनेट पर है, सही है। अच्छा ये लोग कर लीजिएगा, ये थोड़ा लेंगे, ये था आपने आपसे करवा देता हूँ। बैलेंस ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। मशीन हेड कॉस्ट 20,000, एक्यूमुलेटेड 7,200, सोल्ड फॉर ड्यूरिंग ईयर 48, सीनरी स्टेटमेंट ऑफ इतना 18 एंड द क्लिक एक्यूमुलेटेड इतना था एंड द कंपनी की 10% स्ट्रेट लाइन ऑन मशीनरी एंड नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर इन विच एसेट वॉज एसेट इज सोल्ड। अब इसमें फिर वो दो टी अकाउंट बनेंगे, एक एसेट का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, दो टी अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं इसको, इस तरह से, ये इस तरह सॉल्व होगा, सेम इस तरह से। हाँ थोड़ा सा लेंदी है, ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मशीन है, मशीन अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ पे बनेगा अलाउंस फॉर डब्ल्यू, ठीक, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। अच्छा ऊपर तो डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दें पहले, यहाँ बैलेंसेस पे आ जाते हैं ना। ये ओपनिंग कितना होगा, कॉस्ट का 180, बीडी 180 आ गया, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग कितना है, 92, 92 92, ठीक है। अब हम पहले डिस्पोजल के एंट्रीज बनाते हैं,
अच्छा मशीन की कॉस्ट है 20,000, तो 20,000 से तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 17,200, ये डेबिट पे आ जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 17,200। ये डिस्पोजल की एंट्रीज हो गई। अच्छा यहाँ पे आ गया डिस्पोजल, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्पोजल। अच्छा अब हम वो ये डिस्पोजल हो गया, सही। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। हाँ वो तो अभी लगाता है ना, मैं पहले इसको जरा क्लोज कर दें अकाउंट को। 80,000 परचेज तो नहीं किया ना भैया, सर तो डिस्पोज हो रहा है बस, सही है। तो 80, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा इसका? अब देखते हैं डेप्रिसिएशन का क्या कह रहे हैं वो, कि द कंपनी यूजेस 10% स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड, सही है। तो 180 के एसेट थे, 20,000 में सोल्ड हो गया, बचे कितने हैं? 16। तो 160,000 का 10% निकल आएगा, ऐसे ही है। 160 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना, इंटू 10%, 16,000 आ गया। एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्रेडिट हो गया। दोनों को ऐड करते हैं, 1,08,000 आ गया। 8,000 माइनस करें इसमें से, 17,200, कितना बच रहा है? हाँ 91 800 19,800, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, 90,800, ऑप्शन ए, सही। नंबर क्या है इसका? 151, सही। बाकी वो लॉस गेन निकालना है बहुत आसान, 151 बन कर दें। अच्छा इसमें क्या ये बताऊं, व्हाट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मशीन 2007, ये ऊपर से रिलेटेड है क्या? 155 तक, हाँ एक मिनट, ये 155 तक है ना, 1 से 5 तक, हाँ तो ये इसी से रिलेटेड है। तो 54 इसमें क्या कह रहा है, कॉस्ट 20,000 है, एक्यूमुलेट 7,200, सेल हमने किया 4,800 में ना। अब डिस्पोजल की एंट्रीज बनानी है, कैश तो डेबिट हो जाएगा 48 से, सही है। डेबिट मशीन अकाउंट डेबिट विद, नहीं गलत हो गया, कैश डेबिट 48, क्रेडिट मशीन 34, नहीं कॉस्ट आएगी, कैश डेबिट 34, डेबिट एक्यूमुलेटेड सही है, एंड क्रेडिट मशीन 22, नहीं 20 आएगा, कॉस्ट 20 है। डेबिट एक्यूमुलेटेड विद 17, डेबिट कैश विद 48, क्रेडिट मशीन विद 20, और डिस्पोजल थोड़ा सा यहाँ पे 20 क्यों आ गया? गेन लॉस कितना हो रहा? डिस्पोजल इसको देखिए जरा, डेबिट कितने से किया? 17,200, 4,800 से डेबिट हो रहा है। अच्छा डिस्पोजल डेबिट में जा रहे हैं ना, मशीन क्रेडिट में जा रही है, बैलेंस नहीं हो रहा वैसे भी, डी वाली एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है। डेबिट क्रेडिट इक्वल होना देख लेते हैं। गेन लॉस कितना हुआ था ये बताएं, गलत, 2,000 का गेन हुआ होगा इसमें, गेन 2 तो आ रहा ना, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहाँ, डिस्पोजल में 2 आना चाहिए। मैं खाली देखा आपका क्या लिखा हुआ है, 20 आ रहा है, लेकिन डेबिट कर रहा है 17, ये तो ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेबिट हुआ, कैश डेबिट हो जाएगा, मशीन के साथ तो यही हो रहा है मशीन क्रेडिट हो गई, और डिस्पोजल डेबिट नहीं होगा, डेबिट मैं डिस्पोजल अकाउंट होता है, मशीन की क्रेडिट होता है। इसके साथ मैच करे तो नहीं, लेकिन इसमें एक ही एंट्री बना रहे हैं ना कम। अच्छा इसमें चेक करते हैं, कैश डेबिट 48, एक्यूमुलेटेड डेबिट 17,200, इसमें देखें दोनों साइड इक्वल हो रही है सी में, उसमें इक्वल नहीं हो रही हाँ थी, इसमें देखें डेबिट है 48 और क्रेडिट 38, क्रेडिट फोर्टी ये दोनों का टोटल 48 बनेगा, यस सर, इक्वल आ रही है डेबिट कर।
48, डेबिट 48, क्रेडिट 90, ये भी इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ यहाँ पे देखिए, हम इसके अगर हम एंट्री बनाए अपनी बनाते हैं, उसको छोड़ा चल रहे। ठीक है, हमारे हिसाब से क्या बनेगी, कैश डेबिट 4800, अलाउंस फॉर या एक्यूमुलेटेड लिख लेते हैं। डेबिट होगा कितने से, होगा 17,100 मशीन, क्रेडिट होगी 2,000 ऐसे ही है। सही है, अब डेबिट का टोटल करें कितना बन रहा है, 22,000 बन रहा है। 22,000 बन रहा है, तो 2,000 का क्या हो जाएगा, डिस्पोजल गेन है ना, ये जाएगा डिस्पोजल अकाउंट। इसमें कंबाइन करके बनाएगी ना, ये कंपाउंड वाली है, अलग अलग वाली नहीं है। अलग तो ये बनती है जो हम अलग बनाते हैं, अलग एंट्री बनाते हैं, क्या होती है, डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट एक एंट्री होती है, एक्यूमुलेटेड डेबिट, डिस्पोजल डेबिट, कैश डेबिट, डिस्पोजल, ऐसे होता है ना। इसमें आप लिखते हैं 20,000, ठीक है, 17,200, फिर 4,800 और 4,800। ठीक है, अच्छा गेन में क्या होता है, डिस्पोजल डेबिट और गेन आपका ट्रेड होता है ना, फिर आखिर में बनेगी 2,000, 2,000। अब इसको कंबाइन करें तो देखें, मशीन क्रेडिट है 20 से, मशीन क्रेडिट 20, एक्यूमुलेटेड डेबिट 17,200, एक्यूमुलेटेड डेबिट, कैश डेबिट 4,800, कैश डेबिट 48, बचा गया डिस्पोजल। इसका टोटल कर लेते हैं, देखें 20,000 डेबिट और 2,000 डेबिट हो रहे हैं, 22 हो गए। क्रेडिट भी कितना है, 17,200 और 48, इन दोनों को ऐड करें 22, तो डिस्पोजल अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा ना। तो 2,000 का गेन कहाँ गया, क्रेडिट। इसको आप गेन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्पोजल आगे गेन, ये कंबाइन हो गई ना। ये इसको आप ये करें, ये वाली एंट्री यहाँ से डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर देते हैं, पता आप देखें, डिस्पोजल को देखते हैं, डेबिट पे 20 है और बस 20, और क्रेडिट पे कितना है, 17, और ये दोनों का टोटल बन रहा है 22, और डेबिट पे कितना है 20, तो क्रेडिट पे बैलेंस आ रहा है ना 2,000, तो ये क्रेडिट पे 2,000 आ गया। डिस्पोजल अकाउंट का डिफरेंस निकाल लें, 20 से डेबिट है, 22 से क्रेडिट है, तो ये हो गया ना, ऐड करें तो करना डिफरेंस 2,000 का बना ना, तो वही 2,000 यहाँ पे आ गए ना, कन्वर्ट हो गया, नेट इधर आ गया। तो वो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी, है कि डिस्पोजल जो है 2,000 होगा, 20 नहीं होगा, डी आंसर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इधर 2 आना चाहिए, 20 नहीं, चलें इसके बाद क्या है। ठीक है चलो, बाकी आप लोग अच्छा कर लीजिएगा, जो नहीं होंगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और फिर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो गया।